प्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में ग्रीन व ऑरेंज जोन सहित रेड जोन में भी शराब दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश जारी होने के कई दिन बाद भी उज्जैन जिले की तहसील में अभी तक शराब की दुकानें नहीं खुली। ऐसे में अब प्रदेश सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि हो रही है। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदारों ने भी कोरोना के डर व स्टाफ की कमी की बात को कहते हुए उज्जैन जिला प्रशासन से कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने उन्हें समय नहीं दिया था, लेकिन अब शराब ठेकेदार जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं, जहां आज अपना पक्ष भी रखेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि कुछ ठेकेदारों को एक्सरसाइज ड्यूटी ना देना पड़े, इसलिए वे सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जैसे ही कोई आदेश इन पर कार्रवाई करने के लिए आता है तो वह सख्ती से इसका पालन कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। शासन के स्तर पे कुछ चर्चा चल रही है, जो 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 ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं खासतौर पर चार पांच जिलों के, उनको ऐसा लगता है कि अभी से अगर वो शराब की दुकानें खोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको राजस्व का नुकसान होगा। जो सरकार को राजस्व देना है उतना हो सकता है उनको इनकम ना हो, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार के जो भी निर्देश होंगे वो हम लोग पालन करेंगे, और सरकारी राजस्व का किसी भी हालत में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसी के हिसाब से पालन कराया जाए। सर आज प्रेस क्लब में भी